हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवी व्लॉग। मैं हूं अनम, आपकी दोस्त और होस्ट। तो फ्रेंड्स, होली आने वाली है, इसलिए मैं लेकर आई हूं आपके लिए होली सीरीज। इस होली सीरीज में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ होली की डिशेस, आज से लेकर होली तक। तो फ्रेंड्स, बात होली की है और हम गुजिया ना बनाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दो तरह की गुजिया, दो अलग अलग तरह की गुजिया, दो अलग अलग टेस्ट में और दोनों के डिज़ाइंस अलग अलग। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गुजिया बनाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे गुजिया सॉफ्ट नहीं बनती या फिर गुजिया में टेस्ट नहीं आता है, गुजिया बिखर जाती है। तो आई होप आप आज की वीडियो ज़रूर देखेंगे और आपको आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिल जाएगा। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मैं देने वाली हूँ आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। और होली सीरीज़ की एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आने वाली हैं बहुत सारी होली स्पेशल डिशेस सिर्फ आपके लिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी गुजिया मेरे साथ मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे दो तरह की गुजिया। सबसे पहले बनाएंगे खोए की गुजिया। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मैदा, आधा किलो खोआ, 300 ग्राम बूरा, 50 ग्राम नारियल, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, 50 ग्राम किशमिश, 25 ग्राम चिरौंजी, मोयन के लिए घी ले लिया है 125 ml और 1 कप दूध मैदा मारने के लिए, और यहाँ मैंने सांचा ले लिया है गुजिया बनाने के लिए। सबसे पहले हम खोआ भूनेंगे। खोआ भूनने के लिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है, एक कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी इसलिए डालते हैं कि खोआ हमारा कढ़ाई में चिपके ना। अब इसमें खोआ डालेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आंच पर भूनेंगे। ये खोआ लगभग भुनने ही वाला है। वैसे तो खोआ मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन मुझे घर की ही चीजें पसंद है, इसलिए ये खोआ मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि खोआ किस तरह से बनाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, हमारा खोआ भुन चुका है। खोआ इसलिए हम भूनते हैं ताकि गुजिया हमारी लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहे। वैसे तो कच्चे खोए की भी गुजिया बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो आपको फिर जल्दी ही कंज्यूम करनी होती हैं और गुजिया इतनी जल्दी कंज्यूम नहीं हो पाती हैं। अब हम अपना खोआ थोड़ा सारा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, इसके बाद ही हम इसमें बूरा मिलाएंगे, नहीं तो बूरा मिलाते ही हमारा खोआ पूरा पतला हो जाएगा और बहने लगेगा। तो चलिए, इंतज़ार करते हैं खोआ ठंडा होने का, तब तक हम अपना गुजिया का डो तैयार कर लेते हैं। डो लगाने के लिए सबसे पहले हम मैदा को छानेंगे। मैदा छानना बहुत ज़रूरी है, इसमें कभी कोई चीज़ रह ना जाए। मोयन के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोनों हाथों से इसको मिक्स करें, इसको ताकि ये अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाए। ये मैदा में हमारा मिक्स बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, इस फॉर्म में हमारा मैदा होना चाहिए, बंद जाना चाहिए ये। आप जब भी मोयन लें, आप हमेशा देसी घी का मोयन का ही इस्तेमाल करें, नहीं तो आपकी मैदा सॉफ्ट नहीं बनेगी। या आप वनस्पति घी भी ले सकते हैं, रिफाइंड का इस्तेमाल ना करें।
अब हम थोड़ा थोड़ा दूध लेकर अपना आटा मारना शुरू करते हैं। डो बनकर तैयार है। आप दोनों तरह की गुजिया का डो सेम इसी तरह लगा लीजिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए एक गीले कपड़े से ढककर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम खोए वाली गुजिया का मिक्स तैयार करेंगे। ये खोआ ठंडा हो चुका है। एक बाउल लेंगे, उसमें खोआ डालेंगे, बूरा ऐड करेंगे, नारियल, चिरौंजी, किशमिश और इलायची पाउडर। इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स तैयार हो चुका है। अब आगे की तैयारी करते हैं। अब हम अपनी दूसरी गुजिया तैयार करेंगे। इसको ड्राई फ्रूट्स गुजिया कहते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम नारियल, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, आधा किलो मैदा, 300 ग्राम बूरा, कुछ मखाने, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम किशमिश और 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 125 ml मैंने यहाँ देसी घी लिया है मोयन के लिए, और 200 ml या 1 कप दूध मैदा को गूंथने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ड्राई फ्रूट्स गुजिया बनाना। ड्राई फ्रूट्स गुजिया बनाने के लिए यहाँ मैं अपने ड्राई फ्रूट्स पहले ग्राइंड कर लूँगी। ड्राई फ्रूट्स गुजिया बनाने के लिए अब मिक्स तैयार करते हैं। यहाँ मैंने नारियल को ग्राइंड कर लिया है। इसमें डालेंगे मखाने का पाउडर, काजू और बादाम, किशमिश, इलायची पाउडर। यहाँ मैं बूरा मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप इसमें शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मिक्स हमने तैयार कर लिया है। अगर आपको ये ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इतना कि ये बस इस तरह से बंधने लगे। करते हैं अब आगे की तैयारी। अब शुरू करते हैं गुजिया बनाना। गुजिया बनाने के लिए हमें छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेनी है और फिर उसकी पूड़ी बेलनी है। पूड़ी इसकी इतनी बारीक होनी चाहिए कि आपका चकला दिखने लगे। ये देखिए, आपको चकला दिख रहा होगा। ये पूड़ी बेल चुकी है, देखिए कितनी बारीक है ये। अब एक कटोरी लेंगे और उससे इसे काटेंगे, एक्स्ट्रा रिमूव कर देंगे। अब इसे साइड से इस तरह से मोड़ना है। चारों तरफ से इसको मोड़ देंगे। अब इसको पलट देंगे। इसमें गुजिया का मिक्स बीच में रखेंगे, सेंटर में, और इसको इस तरह से दबा देंगे।
पानी से गीला करेंगे और एक के ऊपर एक परत इस तरह से रखते जाएंगे। ये चारों कोने तैयार हो गए, इनको अच्छे से दबा देंगे ताकि ये बंद हो जाएं। ये बिल्कुल खुले नहीं रहने चाहिए, नहीं तो गुजिया सिकते टाइम सारा इसका स्टफिंग बाहर आ जाएगी। इसको पलट देंगे, हल्के हाथ से इस तरह दबाएं। अब एक फॉर्क लेंगे, फॉर्क की मदद से चारों कोने इस तरह से दबा देंगे। ये तैयार हो गया है। अब थोड़ा छोटा सा आटा लेंगे, उसकी लोई बनाएंगे, इस तरह दबाएंगे और एक चाकू की मदद से इस तरह से निशान बनाएं, पहले काट देंगे निशान की जगह पर। सब तरफ से दबाते हुए इसकी पेटल्स बनाएंगे, चारों तरफ से पेटल्स दबाते हुए इस तरह से इसका फूल तैयार कर लेंगे। अब गुजिया के ऊपर एक कोने में इसको इस तरह से रखेंगे और एक लौंग लेंगे, लौंग से इसको दबा देंगे, सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारी डिज़ाइनर गुजिया बनकर तैयार है। ये ड्राई फ्रूट्स गुजिया है। चलिए इसी तरह से बाकी की गुजिया भी तैयार कर लेते हैं। अब तैयार करते हैं मावे की गुजिया। पूड़ी हमने बेल ली है, अब एक सांचा लेंगे, उसके ऊपर ये पूड़ी रखेंगे और इसमें मावे की फिलिंग डालेंगे एक चम्मच भर के। इसके चारों किनारों पर थोड़ा पानी लगाएंगे जिससे कि ये खुले नहीं, बंद रहे। इस तरह पानी की एक लेयर लगाएंगे और इसे बंद कर देंगे। ज़ोर से दबा दीजिए और जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर देंगे। अब इसे खोल कर देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी मावे की गुजिया बनकर तैयार है। बाकी की गुजिया भी इसी तरह से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, गुजिया हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ये ड्राई फ्रूट्स वाली गुजिया है, डिज़ाइनर ड्राई फ्रूट्स गुजिया, और ये हमारी खोए वाली गुजिया है। अब इनको फ्राई करते हैं। यहाँ गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। एक कढ़ाई में घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी ले लिया है। देसी घी से बनी हुई गुजिया बहुत ही टेस्टी लगती हैं और ये मैंने खुद ही निकाला है। अगर आपको इसका रेसिपी देखनी है तो आई बटन पर ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं। घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसमें गुजिया डालेंगे, गुजिया फ्राई करेंगे। ये सिक चुकी हैं, अब इन्हें निकालते हैं। इसी तरह से बाकी की गुजिया भी सेक लेंगे, फ्राई कर लेंगे। गुजिया सिक चुकी हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी गुजिया बनकर तैयार हैं। ये देखिए, ये इनके ऊपर बबल्स। इन बबल्स का मतलब यही होता है कि ये गुजिया बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। लोग इन बबल्स को लाने के लिए इसमें दही ऐड करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दही ऐड नहीं करा है, सिर्फ मोयन ऐड किया है। देखिए कितनी बढ़िया। और अब मैं आपको इन्हें तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो आप लोग भी एक बार इन गुजियों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये गुजिया कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और गुजिया बनाना है बहुत आसान।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है और होली सीरीज़ की एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं यही खत्म, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, सी यू।